कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के संस्थान में स्थापित किया गया है। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि इसको आप लोग कहोगे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सेंटर है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, और ये सेटअप किया गया है रिसेंटली IIT बॉम्बे में। एक्चुअली अकेला IIT बॉम्बे में नहीं है, ये दो सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं। एक तो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे, जिसको आप मुंबई कह सकते हैं प्रेजेंट के तौर पे। दूसरा है नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो पड़ता है बेंगलुरु के अंदर। तो ये दो सेंटर सेटअप किए गए हैं इंडिया के अंदर। सर है क्या ये तो बताइए ना। देखो भाई, आपने एक बार इस फोटो को देखिएगा ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। भाई गाड़ी, आप लोग किसी भी चीज से, मान लेते हैं आप लोग घर है, अपने घर के अंदर आपका कुछ भी चीज चलाते हैं, लाइक गूगल ही चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो गूगल से भी कार्बन डाइऑक्साइड, मोबाइल से भी कार्बन डाइऑक्साइड, रोटी बना रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, खुद है भैया सांस ले रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी चीज से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा, गाड़ी चला रहे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ ही रहा है, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा रहा है, तो टॉक्सिक तो है ही है अपने आप में। तो आपने एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा जो आपने सिस्टम बना दिया है, सेंटर बना दिया, जो इनको इससे वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जो 1 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है घर से या और जिस भी तरीके से, ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, मीथेन में, हाइड्रोकार्बन में, जिस हाइड्रोकार्बन को एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकेगा और फिर उसका यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये काम भारत के अंदर दो सेंटर बेंगलुरु और IIT बॉम्बे के अंदर जो है ना सेटअप किए गए हैं, यही है सारी कहानी। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, इससे बेनिफिट होगा तकरीबन आपको SDG के गोल पढ़े होंगे आपने, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके टोटल 17 गोल होते हैं, इस 17 में से इन 5 गोल में तो डायरेक्ट जो है ना बेनिफिट हो रहा है, लाइक क्लाइमेट एक्शन है, क्लीन एनर्जी है, इंडस्ट्री है, इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पांचों सुधर जाएंगे। क्लीन एक्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का जो आपका जितना भी पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको डायरेक्ट यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ये इसकी खास बात होने वाली है हाइड्रोकार्बन से, इसका वैल्यू एडिट बिल्कुल बिल्कुल जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उनके वैल्यू वाले केमिकल्स में कन्वर्ट करके और एक इकोसिस्टम प्रॉपर बनाया जाएगा। बेहद जरूरी सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल भी है कि ऐसा किया जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर।